ये कौन है कि जो बालक है, बूढ़ा है, बच्चा है, ये कौन है कि तो रोगी है, और ये कौन पढ़ा है कि मरा है, तो पढ़ा क्या है, सब है ये, तो इसमें अपना नहीं रहे। रूप और नाम, ये माया यहां उलझाती है, माया यहां अटकाती है। तो माया से बचना है, और माया है नर्तकी। माया क्या है बोलो? नर्तकी। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसान। शास्त्र कहते हैं माया नचाती रहती है, नचाती रहेगी आपको, नर्तकी है। उमादार जोशित की नाई, सबई नचावत राम गुसान। अगर भैया नर्तकी से बचना है तो नर्तकी का उल्टा करो, नर्तकी का उल्टा है कीर्तन। बोलो नर्तकी, इसका उल्टा करके देखना, कीर्तन। साधु महात्मा कहते हैं, और कीर्तन किसका होगा? कीर्तन शब्द क्या है? कीर्ति के गाने से, और कीर्ति किसकी है? उनकी। तो दो काम करने हैं आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण। ये भागवत के आज के प्रसंगों को हम विरामता की ओर ले जाएं, तो कीर्त्य दो शब्द सुनाते हैं। कीर्त्य, तो जिसकी कीर्ति है उसका ध्यान करो, और ऐसा करो जिसे कीर्ति बने आपकी, और कीर्ति बनेगी कीर्त करने से। कृत्य आपके शुभ होने चाहिए, और संत मत यही कहता है हमारा। हमारे संत मत का अर्थ यही है, संतों ने कहा कि तीन ही काम करो, कीर्त कर, वंड छक, नाम जपो। कीर्त कर, शुभ कर्म कर, कीर्ति कर, कुछ ऐसा करके तेरी याद रहे, कुछ ऐसा करके तुझे लोग जाने पहचाने, कुछ ऐसा कर जा तेरी कीर्ति रहे। हम एक कीर्तन क्या है भाई? कीर्ति तो है भाई, जिसकी कीर्ति है उसी को तो गुनगुना रहे हैं। जिसकी कीर्ति है, जिसने कृत्य किए, शुभ कृत्य जिसके द्वारा हुए हैं, शुभ कर्म जिसके द्वारा हुए हैं, उसी का तो कीर्तन कर रहे हैं।